हे व्यूवर्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और मेरी जो है स्टार्टिंग होती है किचन से ही। जैसे कि आप मेरे डेली के व्यूवर्स हो, आपको पता ही है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो फिर उनका टाइम से लंच प्रिपेयर करना होता है, तो इस वजह से सबसे पहले मैं किचन में ही आ जाती हूँ। और आज मैं लंच में बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी और ब्रेकफास्ट के लिए आलू के पराठे। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक एस्पिरेंट भी हूँ, एक UPPCS RO एस्पिरेंट हूँ। मेरी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि मैं अपने लिए टाइम सेव कर सकूं, बचा सकूं, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपनी पढ़ाई के लिए डिवोट कर सकूं। क्योंकि मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, कोई दिखावा नहीं है। हालांकि मुझे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जो मेरे बारे में कुछ भी जो है उल्टा सीधा बोल देते हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। अगर मैं उनकी बातें सुनूंगी तो फिर तो जो है मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और कैसे भी करके मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। और मेरे जैसी बहुत सी हाउसवाइफ हैं जो करना चाहती हैं पर कर नहीं पाती, क्योंकि सभी का एक ही टेंशन होता है और सभी के पास एक ही रीज़न होता है कि कोई क्या बोलेगा। कुछ की तो जो है एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ आप लोगों को, मैं खुद ही हूँ एक एग्जांपल। मेरी एज 35 है और मैं अब जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी बहुत सारी हाउसवाइफ बहनें होती हैं जो इस मतलब कि टेंशन में रहते हैं कि हमारी एज ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अगर हम अब इस एज में कुछ भी करने का सोचेंगे तो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा रोग तो यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो मुझे बस इसी मेंटेलिटी को जो है बदलना है कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि हमारा फोकस खुद पर नहीं होता, दूसरों पर होता है। हम दूसरों के खुशियों का ज़्यादा ध्यान करते हैं, अपने का नहीं। हमारी क्या खुशी है, हमारे क्या सपने हैं, तो हमको जो है उन्हें कैसे पूरा करना है या हम अपने लिए भी कभी जी ले, ये तो हमारे माइंड में कभी आता ही नहीं है। बस दूसरों के लिए करते जाओ करते जाओ। और आप चाहे किसी के लिए कितना भी कर लो, बाद में आपको मिलना वही है जो सबको मिलता है। तो इसलिए आप अपने आप पर फोकस करो, ना कि दूसरे पर। दूसरों पर फोकस करते करते तो हमारा जो है आधी लाइफ ऐसे ही बीत गई है और आधी जो बची है वो भी ऐसे ही बीत जानी है। लेकिन अगर आप मेरे से इसका आंसर पूछोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं तो अपनी लाइफ को ऐसे नहीं बीतने दूंगी, क्योंकि जो बीत चुकी वो बीत चुकी। आधे से ज़्यादा जो है लाइफ हमारी ऐसे ही बीत चुकी है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही घर में रहकर कुछ भी नहीं किया। जबकि हालांकि हम बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि हमें भगवान इतनी शक्ति देता है, हमारे अंदर इतनी शक्ति होती है कि हम हर सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। पर जब अपनी ही बारी आती है तो अपनी सिचुएशन को हम हैंडल करने की ज़रूरत ही नहीं समझते, क्योंकि हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं बनाते। हम उस रूप में अपने आप को देखते ही नहीं है कि हमारे अंदर भी वो पावर है कि हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं या हम अपने लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं। बस यही जो गलती होती है ना, ये एक गलती हमारी पूरी लाइफ को जो है बर्बाद कर देती है। अब इस अपनी एक गलती को सुधारना है, अभी भी मौका है, अभी भी हम सुधार सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एक कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना। कोशिश करने में क्या जाता है, क्योंकि बाद में हमें अफसोस तो नहीं रहेगा कि हमने अपने लाइफ के लिए कुछ भी नहीं किया। कम से कम हम बाद में ये तो कह सकते हैं कि हमने भी ट्राई किया था, कोशिश की थी, जो हुआ वो हुआ, लेकिन हमने जो है ट्राई ज़रूर किया था। हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहे। और पता आपको रियलिटी क्या होती है, कभी कभी ना हम लोग बहाने भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, या हम ये नहीं कर सकते, या हम वो नहीं कर सकते, जबकि सबके पास उतना ही टाइम होता है, सबके पास 24 घंटे है। आपको क्या लगता है, जितने भी लोग यहाँ पर मतलब कि सोसाइटी में हैं या जिन लोगों ने कुछ भी अचीव किया है, कोई भी कामयाबी हासिल किया है, क्या सबकी लाइफ में जो है कुछ भी संघर्ष नहीं रहा होगा, उन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं किया होगा? मैं मानती हूँ कि कईयों की लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल नहीं होता, उन्हें बहुत आसानी से जो है मिल जाती हैं अपने जो भी उनका गोल होता है, वो जो अचीव करना चाहते हैं सब कुछ मिल जाता है। लेकिन सबको इतनी आसानी से नहीं मिलता। उनमें से कुछ परसेंट बंदे तो ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ जो है अपने सपनों को पूरा किया होगा। तो उन बंदों में से ही हम एक भी हैं। हमें भी उसी तरह से स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। जो हम बहाने बनाते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, या हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, उन सब को ही हमें अब जो है बिल्कुल अपने मन से, दिमाग से निकाल देना है। हमें कोई भी बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि ऐसे ही बहाने बनाते बनाते हमारी एज लिमिट भी पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हमारे पास बहाने बनाने के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा। क्योंकि तब तो हम यही कहेंगे ना कि हमारी तो अब एज ही नहीं रही है। तो इसलिए अभी भी टाइम है, आज का टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। बहाने बनाने बंद करो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, बाद में अफसोस ना हो कि हाँ हम एक बार भी कोशिश नहीं किए थे। और आपको तो पता ही है कि लाइफ और टाइम, लाइफ टाइम दोनों इतने ज़्यादा प्रीशियस है कि इनकी कोई कीमत नहीं है। जब एक बार निकल जाता है तो वापस कभी लौट कर नहीं आता। हमारी एज भी बढ़ रही है, जितने हमने अपने
लाइफ के जीवन दिन सॉरी दिन जो है हमने अपनी लाइफ के बिता दिए, पूरे कर लिए, अब वो कभी लौट कर नहीं आते। वही समय की बात है, जो समय चला गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा, चाहे हम कुछ भी इसकी कीमत चुका दें लेकिन उसे वापस लौट कर नहीं ला सकते। समय को इतना समय नहीं होता कि वो दोबारा किसी को समय दे सके, इसलिए जो समय बीत गया उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं ना। मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो बर्बाद हुआ है, ख़राब हुआ है, और आप लोगों का ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को जो है ये सब बातें बता रही हूँ ताकि आप भी मोटिवेट हो सको। मुझे अब बहुत अफसोस होता है कि मैंने अपनी लाइफ का इतना जो कीमती समय था वो ऐसे ही बर्बाद कर दिया। लेकिन हाँ, जो मेरे पास अब समय बचा है इसको मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी, अपनों के लिए जीऊँगी, अपने लिए जीऊँगी और अपने सपनों के लिए जीऊँगी। जो होगा वो सब देखा जाएगा, कोई क्या बोलेगा इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलने दो। वैसे भी तो सब लोग बोलते ही हैं, बिना करे भी बोलते हैं, तो करके ही बुलवाने दे दो और अच्छा है।